हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम रिव्यू करने वाले हैं इसका द इंडी अर्थ रेड अनियन एंटी हेयर लॉस हेयर ग्रोथ ऑयल, है ना। इस प्रोडक्ट का नाम जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और आप देख ही सकते हैं कि मैंने 3 बॉटल आपके सामने रखे हैं, तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, और ये एक है जो अभी मैंने ऑर्डर किया है ना लास्ट टाइम, तो ये अभी फुल है। वेट कीजिए, मैं इसका बताऊंगी आपको रिव्यू। मैंने 2 बॉटल यूज़ कर लिया है, और ये इसका शैम्पू भी है, द इंडी अर्थ रेड अनियन हेयर शैम्पू, है ना। इसमें भी काफ़ी इंग्रेडिएंट है। दोस्तों, अगर आपको इसका क्या है बेसिक और क्या क्या इसमें डला हुआ है यही सब जानना है, तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में हैं, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या मिलाया गया है और किस तरीके का ये क्वालिटी है, वो सारे आपको बता देंगे। मैं यहाँ ये सब नहीं बताऊँगी, मैं आपको वो बताऊँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने देख सकते हैं, मैं इसको 2 महीना से यूज़ कर रही हूँ। मेरे साथ भी हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, और मेरे हेयर भी बहुत ही ज़्यादा थिन है, सो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ अलग अलग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, और कोशिश कर रही हूँ समझने की कि एक्चुअल में अगर कोई चीज़ फ़ायदा करे तो फिर वो लोगों को भी बताऊँ कि हाँ फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही। इस ऑयल के बारे में मैं ये बता सकती हूँ कि अभी तक मैंने 2 बॉटल कंप्लीट किए हैं, तो हाँ इसमें एक चीज़ है, इसने मेरा हेयर फॉल तो कंट्रोल नहीं किया है, बट इससे मेरे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुए हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है करके मैंने इसका 2रा और अभी 3रा बॉटल भी ऑर्डर किया है। सो 3 बॉटल मैंने इसका यूज़ किया है, और बेबी हेयर हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बेबी हेयर ग्रो हुए हैं। अभी वो काफ़ी बड़े नहीं हो पाए हैं क्योंकि 3 ही महीना हुआ है मेरे को, 2 महीना हुआ एक्चुअल में, ये 2 खाली है और ये एक अभी फुल है, तो 2 ही महीना हुआ है मेरे को ये यूज़ करते हुए, है ना। तो फिर इससे मेरे को बेबी हेयर ग्रो हुआ है मेरा। मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको सुधारने की। तो अगर आप मेरे हेयर ग्रोथ जर्नी और मेरे हेयर केयर जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल बटन को दबा दीजिए। फिर इससे क्या होगा कि मैं इस तरीके से अभी ना बहुत सारे हेयर एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब में इतने ज़्यादा भर भर के लोगों ने दे दिए हैं कि भाई ऐसा करिए वैसा करिए वैसा करिए, और यकीन मानिए मैं भी आप ही की तरह एक रियल मतलब व्यूअर हूँ यूट्यूब का, या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स का, और मैं देखती हूँ और ऑर्डर करती हूँ। बट डेफिनेटली जिसमें फ़ायदा हो, कुछ कुछ फ़ायदे होते हैं, एकदम नहीं होते ऐसी बात नहीं है। अब जैसे इस हेयर ऑयल की अगर मैं बात करूँ, तो इससे मेरा बेबी हेयर अच्छा खासा ग्रो हुआ है, इस वजह से मैंने इसको अभी छोड़ा नहीं है, और मैं इसको अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँगी इसको। बट इससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ है, मतलब डेफिनेटली जैसा था वैसा ही है। अब हो सकता है, मेरे को एक बार लगा भी था कि शायद इसके साथ इसका शैम्पू यूज़ करने से फ़ायदा कर सकता है, जैसे कि इसमें हेयर ग्रोथ शैम्पू लिखा हुआ है। मैंने एक ही ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे को यूज़ करने के बाद उतना कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आया। नॉर्मली मैं वाटिका यूज़ करती हूँ, और थी इस शैम्पू में कि जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो बाल काफ़ी सॉफ्ट फील हुए मेरे को, सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा सिल्की टाइप फील हुआ, और जो मेरा कोम है वो भी बाल में ज़्यादा उलझ नहीं रहा था, तो उस तरीके से ये ठीक है। बट इतना महंगा शैम्पू है दोस्तों, आप इसका रेट पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी जूम करके दिखाने की। 595, और ऑनलाइन लगभग ये आपको 450 का पड़ता है, और 450 का शैम्पू ये है आपका 200 ml, है ना। तो 200 ml 450 का शैम्पू, मतलब कितना वॉश, मेरे ख्याल से ये 1 महीना, अगर कम आपके बाल थोड़े पतले हैं तो 1 महीना 15 दिन जाएगा, लेकिन अगर आपके बाल बहुत अच्छे खासे हैं तो मेरे ख्याल से ये 3 या 4 वॉश में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में बहुत महंगा पड़ रहा था, तो मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं किया। बट हाँ, इसका एक्सपीरियंस यही रहा मेरे साथ कि बाल सॉफ्ट और सिल्की ज़रूर हुए, बट इसमें भी हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल कंट्रोल जैसा कुछ मेरे को नहीं मिला। सो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए बजट फ्रेंडली है तो, क्योंकि अगर आपके बजट में ये आ रहा है तो आप ट्राई ले सकते हैं। ऑयल में मेरे साथ क्या हुआ कि ऑयल में मेरे बेबी हेयर ग्रो हुए, तो मैंने उसको ऑर्डर करना ठीक समझा, और मैंने लगभग देख ही सकते हैं आप, 3 है मेरे पास, है ना। बट शैम्पू में जो मेरे को कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखा, क्योंकि नॉर्मली जो है आप कंडीशनर से जैसा आपको फील आता है, इस शैम्पू से वैसा ही फील आता है, बट कंडीशनर तो आपको इजीली कम रेंज में मिल जाएंगे। बट
आप चाहे तो आपके बजट में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे लिए थोड़ा बजट से ज़्यादा ही हो रहा था तो मैंने इसका शैम्पू कंटिन्यू नहीं किया है, बट ये प्रोडक्ट ठीक है आपके लिए, आपके बालों के लिए। 1 महीना इसको और मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही है ना, रेड रेड टाइप का इसका कलर आएगा। और स्मेल की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, लेकिन एकदम भी नॉर्मल नहीं है। मतलब आप जैसे लगाएंगे ना, और ठंडी के दिन में अगर आप अच्छे से कंबल वम्बल ओढ़ के सो रहे हैं तो बिल्कुल इसका स्मेल आपके नाक तक आएगा। बट अच्छा है दोस्तों, अगर ये आपके लिए बेबी हेयर बहुत अच्छी खासी मात्रा में ग्रो कर रहा है और आपके थिन हेयर को ये जो है थिक बना रहा है, तो फिर ठीक है, हम इतना स्मेल सह सकते हैं। पूरा बॉटल मेरा फुल है, इसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ, 1 महीना और इसको कंटिन्यू करूँगी। बट मैंने सोचा कि इससे मेरे बेबी हेयर तो ग्रो हो रहे हैं, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए मैं दूसरा कुछ ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं आपको उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं हेयर फॉल कंट्रोल के लिए क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, मैं कोई अमेज़न एफिलिएट भी नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचने आई हूँ, बिकॉज मेरा सेम प्रॉब्लम है जो आप लोगों के साथ है। आप लोग भी यूट्यूब में सैकड़ों वीडियो देखते हैं और कई सारे प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, फिर कुछ होता नहीं है तो निराश हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आपको मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ तो आपको भी मिले, और अगर मेरे को नहीं हो रहा है तो मैं आपको एटलीस्ट सावधान तो कर ही सकती हूँ कि भाई आप देख के और समझ के लीजिए। मैंने आपको हेयर ऑयल का प्राइस नहीं बताया, ये एक्चुअली आपको 650 लिखा हुआ है, 695, आप देख सकते हैं 695 लिखा हुआ है। बट ये हेयर ऑयल जो है ना, आपको ऑनलाइन 450, हाँ मे बी 450 तक आपको मिल ही जाएगा। आप अमेज़ॉन पे जाइए या कहीं भी जाइए, या फिर आप यूट्यूब में ही सर्च कर लीजिए, बहुत सारे लोग इसका अप्रिशिएट आपको लिंक दे देंगे। मैं कोई लिंक देने नहीं आई हूँ दोस्तों, मेरा काम है आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे बॉटल आप देख ही सकते हो यूज़ किए हैं, और इतना सारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद तो मेरे को लगा कि हाँ जनरली मेरे को लोगों को बताना चाहिए, तो फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू के लिए मैं आ गई। तो डेफिनेटली अगर आपको ये पसंद आए तो आप परचेस करिए, और अमेज़ॉन में जाके जो मैंने आपको नाम बताया, द इंडी अर्थ रेड अनियन एंटी हेयर लॉस हेयर ग्रोथ ऑयल, इस नाम से आप सर्च करिए, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कोई लिंक नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको कोई भी लिंक नहीं मिलेगा, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है कि इस ऑयल के साथ दूसरा शैम्पू सूट कर जाए, तो मैं उसका वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी। इस ऑयल के साथ मैं अभी केश किंग का शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक से, है ना, तो उसका अगर कुछ फ़र्क पड़ा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। फिलहाल इसको, ये था मेरा आज का वीडियो, और बिल्कुल यार मैं भी आप ही लोगों के साथ नॉर्मल इन सब चीज़ों को यूज़ कर करके थक गई हूँ, मेरा भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, और हाँ बाल मेरे थोड़े थिन हैं। अगर आपको मेरे रिव्यू पे भरोसा हो और अगर आपको लगता है कि मैंने एक ऑनेस्टली आपको चीज़ों के बारे में बताया है, देखिए इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वो बताने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। आप हमें इसमें यूट्यूब में आप सर्च करिए, काफ़ी लोग हैं जो इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि हाँ इसमें जो है सो है, मेरे लिए इसने काम किया या नहीं किया, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम किया, नहीं करता तो मैं ये 3 बॉटल नहीं लेती। बट हाँ हेयर फॉल पे इसने मेरे लिए काम नहीं किया, ना ही मेरे डैंड्रफ पे भी इसने काम नहीं किया, बट हाँ बेबी हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे सामने में बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम कई जगह पे एकदम मेरे हेयर का स्किन दिखता था, बट जब इससे इसको मैंने यूज़ किया है ना, तब से वहाँ पूरा ब्लैक हो गया है। इस ऑयल को मैं पूरा दिसंबर यूज़ करूँगी, और डेफिनेटली जनवरी में इसके साथ जो मैं दूसरा शैम्पू ट्राई करने वाली हूँ उसका मैं आपको जनवरी में बताऊंगी, ठीक है, कि इन दोनों ने मेरे बालों पे क्या काम किया नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को आपके लिए यूज़ करूं और फिर उसका रिव्यू करूं, बिल्कुल रियल रिव्यू दोस्तों, फेक नहीं, मैं खुद अपने पैसे से ख़रीद के लाऊंगी और बिल्कुल 1-2 महीना ट्राई करूंगी और उसके बाद ही मैं आपको वीडियो दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बॉटल ले आऊंगी कि हाँ मैंने देखिए 2 बार यूज़ किया और मैं बता रही हूँ, नहीं, आप देख ही सकते हैं मैंने 2-3 बॉटल यूज़ किया। फिलहाल मैं केश किंग का शैम्पू भी लाकर रखी हूँ, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, तो मैं उसको ट्राई करने के बाद ही आपको उसका भी बता दूँगी। तो इसका तो यही है कि इसका ऑयल अच्छा है, बेनिफिशियल ही है। अगर आप इसको बेबी हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं
और हो सकता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर दे। देखिए सबका जो है ना स्किन सेम नहीं रहता है, हर किसी का कुछ अलग डेफिशिएंसी, कुछ अलग क्राइटेरिया रहता है, हर किसी की बॉडी अलग चीज़ों से अलग रिएक्ट कर सकती है। हो सकता है कि मेरे लिए इसने हेयर फॉल कंट्रोल ना किया हो, बट आपके लिए कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे लिए तो इसने बेबी हेयर ग्रो किया है, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आपको अगर लगता है तो आप करके देख सकते हैं, हो सकता है कि आप इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए, है ना। सबका सेम स्किन सेम इफेक्ट नहीं रहता है। तो ये था आज के लिए दोस्तों। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल बताइए कि आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए और कैसा रिव्यू चाहिए। बिल्कुल मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अपने हेयर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, करने वाली हूँ। और सीरियसली बताऊँ तो पहले ना मेरे को वीडियो का ख्याल भी नहीं आता, बट जब मेरे को कुछ चीज़ बेनिफिशियली लगा, कुछ नहीं लगा, और मैंने देखा कि भर भर के लोग यूट्यूब में यही डाल रहे हैं और कोई जो है ना सही चीज़ को बताने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो है आपको कि हाँ आप ये खरीदिए, वो करिए, वो करिए, इस तरीके से बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सही चीज़ को आपके सामने रखूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं कुछ डाइट ले रही हूँ, प्रॉपर डाइट, अपना हेयर पिक्चर डालूंगी, प्लस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी कि मैं अभी क्या प्रॉपर डाइट लेने वाली हूँ उस पर, है ना। तो फिर वो वीडियो भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।